हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बार्क एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए, गेट एग्ज़ाम हम लोगों का हो चुका है, तो उसको अब पाउच कर देते हैं और फिर अब नया से बार्क एग्ज़ाम के बारे में न्यू से यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करते हैं और बार्क एग्ज़ाम को फोकस करते हैं। तो देखिए, बार्क एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली कहीं पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको याद कर लो, हो जाएगा। नहीं, वो जो एग्ज़ाम दिया है, जो एग्ज़ाम उसका फेस किया है या फिर जो इंटरव्यू में गया है। एक्चुअली मैं इंटरव्यू गया था, तो मुझे जहाँ तक याद है और जहाँ तक मैंने इसका क्वेश्चन देखा है, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे सारे। जैसे एक से, देखिए मैं बता रहा हूँ, टोटल 100 क्वेश्चन है। ओके, 100 क्वेश्चन है और 2 आवर 120 मिनट्स टाइम लगते हैं, दिए जाते हैं, 2 आवर्स रहते हैं। एंड टोटल मार्क्स 300 का होता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। एंड निगेटिव मार्किंग आप लोगों का रहता है -1 निगेटिव मार्किंग। तो हम लोगों का जो है कट ऑफ जो होता है 150+ होता है। तो हमेशा हम लोगों को याद रखना होगा 60+ क्वेश्चन अच्छा करना है। वो कब कर पाएंगे? जब आप 1 से 100 तक का क्वेश्चन देख पाएंगे। मैं फर्स्ट टाइम दिया तो मैं 1 से 50 तक, कॉलेज में था तो 1 से 50 तक ही क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए हम लोगों को। कैसे मैं 1 से 100 तक, अगर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 100 तक हमको पहुँचना है। 100 तक का सारा क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे ना, बना रहे ठीक है, जो बन रहा है बन रहा है, लेकिन आपको 1 से 100 तक तो पहुँचना ही पड़ेगा। नहीं तो लास्ट में मे बी इजी क्वेश्चन है वो छोड़ दिया, तो वहाँ पर आपका कट ऑफ मे बी चांसेस नहीं होने का हो सकता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट है कि आपको 1 से 100 तक का क्वेश्चन को देखना ही है, तुरंत बनाते जाए। जो बन रहा है ABCD टाइप का क्वेश्चन है वो बन रहा है, उसको बनाते गए, लास्ट तक पहुंच गए। और जो उसमें सेकेंड अटेम्प्ट में टाइम बच रहा है, आपको 100 तक क्वेश्चन देखना ही है एनी हाउ। फर्स्ट, अगर आपको अगर बार्क में अगर मार्क्स लाना है तो। सेकेंड चीज़ है लेफ्ट, जो टाइम मिले तो ऐसा नहीं कि जो बनाए हैं उसको देखे, नो उसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन छूटा है उसको क्या बना सकते हैं उसको देखना है। इसमें गेट में क्या है ना, आप रीचेक करना पड़ता है कि एक्यूरेसी है कि नहीं, वहाँ पे रीचेक करना पड़ता है, दैट मैंडेटरी। बट यहाँ पे बार्क एग्जाम में आप 1 से 100 तक जाएं, फिर जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको बनाए। तो ये हमारा बार्क 2020 का स्ट्रेटजी है। तो बार्क 2020 में क्या करना है, हम लोग सारे क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड है, और प्रैक्टिस करते करते ही हम लोग का एग्जाम आ जाएगा, वो भी निकल जाएगा। तो देखिए, हम लोग कुछ ट्रिक यहाँ पे भी है। ओके, तो मैं ट्रिक से ही सॉल्व करता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन। बार्क में तो और भी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप लोगों को ऐसे भी ट्रिक से, जब गेट के क्वेश्चन ट्रिक से हो रहे हैं तो बार्क ऐसे भी हो जाएगा। जैसे मैं, क्या है कि बहुत दिन के बाद एग्जाम अगर आप देंगे तो बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन ट्रिक आप नहीं भूल पाएंगे। जैसे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ABCD पैरामीटर। ABCD पैरामीटर में क्या होता है ना, जैसे हम लोगों का ये बोला सिमेट्रिसिटी क्या होगा जेड पैरामीटर में। जेड पैरामीटर में सिमेट्रिसिटी का कंडीशन होता है Z11 = Z22, सिमेट्रिसिटी का कंडीशन हो गया। एंड रेसिप्रोकल का क्या होगा, Z12 = Z21। ये इजी है, ये हम लोगों को कुछ ट्रिक बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली वाई पैरामीटर में क्या होगा, वाई पैरामीटर में सिमेट्रिसिटी का कंडीशन क्या होगा, सिमेट्रिसिटी का Y11 = Y22। एंड रेसिप्रोकल का कंडीशन क्या होगा, Y21 = Y12, रेसिप्रोकल हो गया। तो इसमें तो कोई ट्रिक ही करना नहीं था, 1 2 को सिमेट्री मतलब 1 1 है तो 2 2 हो गया, रेसिप्रोकल मतलब 1 2 है तो 2 1 हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे Y11 = Y22 and Y21 = Y22। लेकिन मैं बोल दिया ABCD पैरामीटर में सिमेट्री कंडीशन का क्या है, तो उसमें क्या माइंड में आएगा। ये लास्ट IAS क्वेश्चन, IAS पेपर में भी प्रीलिम्स में पूछा गया था, प्रीलिम्स IAS 2020 में पूछा गया था, जिसको याद है वो तुरंत बना दिया होगा। उसमें क्या ट्रिक था, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम बाद अगर इसको रिवीजन करूँगा तो मुझे सारा फॉर्मूला भूल जाना पड़ेगा, सिर्फ हमको ट्रिक ही याद रहेगा। सो ऐसा याद कीजिए, कोई ट्रिक बना के याद कीजिए, क्योंकि आप कैसे याद किए किसी को थोड़ी पता है, आप क्या पाने अंदर क्या पाने किसको पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाएगा। मैं फॉर्मूला इसीलिए याद करा रहा हूँ कि आप लोगों को याद इजी वे में हो और आप मार्क्स लाएँ। तो देखिए, प्रीलिम्स 2020 में सिमेट्रिसिटी, एच पैरामीटर एंड हम लोग, आप रियलिटी देखिएगा तो एच पैरामीटर एंड ABCD पैरामीटर में हम लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि क्या होता है। तो हम लोग उसका ट्रिक देखेंगे और उसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों का क्या है ना, ABCD पैरामीटर को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोलते हैं। ABCD पैरामीटर को ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं ना, ABCD पैरामीटर ट्रांसमिशन पैरामीटर होता है। तो बस एक ही चीज़ याद रखना है हम लोगों को, क्या रखना है, 6 से 8 होता है, और कुछ नहीं याद रखना है। तो देखिए, एस मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी कंडीशन में क्या होगा, जब A = D होगा, ठीक है ना।
बहुत इजी ट्रिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे। इसको याद करने के लिए क्या, सिमेट्री एस ओके। सो सिमेट्रिसिटी कब होगा, जब सिमेट्रिसिटी के लिए कंडीशन होगा जब ए बराबर डी होगा। तो रेसिप्रोकल आप लोगों को इसमें क्या है ना, एच पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर में हम लोगों को दो चीज याद रखना होता है। एक होता है डेल्टा एच इजकल टू वन और डेल्टा इजकल टू वन। ये एच पार, ये डेल्टा एबीसीडी बोल दीजिए। डेल्टा मतलब क्या, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, एच में एच वन वन, एच वन टू, एच टू वन, एच टू टू ओके। एंड एबीसीडी में क्या लिखते हैं, ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट। तो हम लोगों का डिटर्मिनेंट, अब देखिए सिमेट्री के लिए हम लोगों का ए बराबर डी हो गया, ए बराबर डी हो गया सिमेट्री के लिए। तो रेसिप्रोकल के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बी सी डी इजकल टू वन हो गया। अब इसका अपोजिट होता है एच पैरामीटर में। देखिए अब एच पैरामीटर में सिमेट्री का क्या होगा, सिमेट्री में ये ए बराबर डी है तो सिमेट्री में डेल्टा एच इजकल टू वन हो जाएगा। एंड रेसिप्रोकल में क्या होगा, रेसिप्रोकल में हो जाएगा एच पैरामीटर का रेसिप्रोकल में, अगर डेल्टा यहां पे आ गया तो रेसिप्रोकल में एच वन टू इजकल टू माइनस एच टू वन, माइनस यहां पे आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी से कंपेयर करके याद कर दें। जैसे हम लोग बोले कि एच पैरामीटर का सिमेट्री कंडीशन क्या है, एच पैरामीटर का सिमेट्री कंडीशन क्या है, तो एबीसीडी पैरामीटर का सिमेट्री कंडीशन ए बराबर डी है तो एच पैरामीटर में डेल्टा आ जाएगा। कंपेरिजन से याद रखिए। जैसे मैं यहां पर लिखा हूं, एक चीज और बता दूं, जैसे मैं यहां पर लिखा हूं, मे बी आप लोगों को याद है, इट्स ओके, उससे याद किस तरह से किए हैं ओके। लेकिन ये भी एक तरीका है, उससे कहीं मैं भी कहीं पे भूल जाए, एबीसीडी और बहुत सारा सब्जेक्ट है ना, किसको किसको याद करेंगे, कुछ यहां से भी टिप्स ले सकते हैं। सो यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग का क्या आ जाएगा, एबीसीडी पैरामीटर में क्या हो जाएगा, ए बराबर डी है सिमेट्री के लिए, यहां से ए ट्रिक हो गया। तो रेसिप्रोकल के लिए डेल्टा बराबर वन हो जाएगा, डेल्टा बराबर वन हो जाएगा। एंड सिमिलरली इसका अपोजिट में, सिमेट्री में अगर ए बराबर डी हो रहा है तो एच पैरामीटर में हम लोगों को डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा बराबर वन हो जाएगा। एंड ये सो एक आप लोगों को याद होना चाहिए, दूसरा में डेल्टा लगा दीजिए राइट। तो ये हम लोगों का ये ट्रिक हो गया। नाउ ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसका भी ट्रिक देखेंगे, इसका भी ट्रिक। ये हम लोगों का ईसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे एक डायोड लगा दिया गया था राइट, यहाँ पे एक डायोड लगा दिया गया था क्वेश्चन में, एंड आरएमएस पावर डिलीवर ऐसा कुछ पूछा गया था, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे एक बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन में मुझे याद आ रहा है, एक बार बार्क में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ए टू बी का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। सारा यहाँ पे आर आर है ठीक है, ऑल 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 आर, और रेसिस्टेंस इक्वल्स, इक्वल इक्वल टू आर है ठीक है। तो इसमें कैसे याद करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर ओके, वन टू थ्री फोर। सो हम लोगों का इक्विवेलेंट निकालना होगा ए बी सी डी, कोई भी पूछ सकता है ओके, कोई भी डायगोनल से पूछ सकता है। तो हम लोगों का लेट अस सपोज ए डी, ए डी निकालते हैं, तो एडी में क्या करना है, हम लोग को याद करना है फोर फाइव, फाइव है ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, जब भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे ए टू डी, ए टू सी, ए टू बी, कभी भी याद रखेंगे तो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस जो भी होता है, कैपेसिटेंस बहुत बड़ा होता है ना, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस लिख रहे हैं ना, कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ग्यारह। कैपेसिटेंस ज़्यादा है ना, कैपेसिटेंस ग्यारह का है, रेसिस्टेंस छोटा है। तो कैपेसिटेंस का जब भी वैल्यू होगा किसी के अक्रॉस वो वन से ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये कैपेसिटेंस है, मैं बता रहा हूँ, देखिए सबका वैल्यू वन से छोटा है ना, फाइव बाई सिक्स, थ्री बाई फोर, सेवन बाई ट्वेल्व, वन से छोटा, लेस देन वन, वन लेस देन ए बी बड़ा है, सॉरी वन से
छोटा ही होगा जो भी इक्विवेलेंट निकलेगा। लेकिन जब कैपेसिटेंस आ जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा और इसका अपोजिट होगा। ओके, ये कंपैरिजन करके याद रखिएगा तो हमेशा याद रहेगा। तो देखिए, अगर हम रेसिस्टेंस का निकालते हैं ए टू डी, तो ए टू डी कॉर्नर कॉर्नर है ना, कॉर्नर है, तो 1 2 3 4 5 एक आगे बढ़ जाइए। कॉर्नर में जब भी निकालना है लास्ट इंड कॉर्नर, तो एक आगे बढ़ना है। तो देखिए क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 वाइज कॉर्नर ए टू डी निकाल रहे हैं, तो 5 ऊपर लिख रहे हैं तो नीचे में एक बढ़ा देंगे, 5/6 हो गया। अब देखिए ए टू डी हो गया, ए टू सी में आप लोग बोलिए क्या हो जाएगा, 3 है तो एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, 3/4। ए टू बी क्या है, आपस में, तो वो 7/12 होता है। तो ए टू बी निकालना आसान होता है, अगर मैं निकालूंगा तो ये ए टू बी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे निकलता है। तो 7/12 एक ही चीज़ आप लोगों को याद रखना है, 7/12, बाकी सबका ट्रिक है। ये ट्रिक मैं खुद से बनाता हूँ, ओके, ये कहीं पे बुक वुक में नहीं मिलता, इसलिए आप लोगों को बता दूँ। 1 2 3 लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 4 5 एक एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा, 5। सो लास्ट में जब भी निकालेंगे ए टू डी, तो 5/6। ए टू सी में क्या हो जाएगा, 3/4। ए टू लास्ट में एक ज़्यादा जाएंगे, ए टू डी 5/6 है ना, ए टू डी हो गया, ए टू सी 3 पे आ रहा है ना, तो 3/4 एंड ए टू बी में 7/12। ओके, तो अगर दो भी याद है आप लोगों का, एट कोई भी एक याद है, तो आप लोग वहाँ पे ऐसा बना के कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर कैपेसिटेंस में आएंगे ना, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ए बी सी डी लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। तो ए टू डी क्या होगा, ए टू डी अपोजिट हो जाएगा, इसका जो निकला था ना 5/6 आर था, तो इसका हो जाएगा 6/5 सी। ओके, एंड ए टू सी क्या हो जाएगा, ए टू सी 3/4 है, तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 सी। ओके, एंड ए टू डी हो गया, ए टू बी 7/12, तो हो जाएगा 12/7। ओके, तो ऐसे हम लोग कंपैरिजन करके इसको भी याद कर लेंगे। सो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बार्क में भी पूछा जाता है, आपका BSNL का एग्जाम जब हुआ था, BSNL TTA का हुआ था एग्जाम, ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन। और जो भी कोल इंडिया या जो भी एग्जाम आने वाला है, इसमें ये क्वेश्चन आता है, या तो कैपेसिटर से पूछ दिएगा 7/12, या फिर आपका क्यूबिक में इसका पूछ देगा आपका क्यूब में ऑल रेजिस्टेंस इक्वल देकर। तो चलिए ये हो गया हम लोगों का। अब देखिए हम लोगों को 60 प्लस क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करना रहता है, 60 प्लस किसी तरह सही अटैम्प्ट, बाकी तो और कुछ गेस भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन गेस जहां तक नहीं करे वही अच्छा है, क्योंकि माइनस वन निगेटिव मार्किंग है। तो ये हम लोगों का बहुत ही ईजी ट्रिक है। ओके, जैसे मैं आप लोगों को पूछ देता हूँ, करंट ABCD पैरामीटर में सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन A/D है ना, तो इजी आ गया ना, कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग बता रहे हैं। अब थोड़ी इंटरव्यू में पूछने कैसे याद किया, आप क्या कहने से उसको क्या मतलब है, लेकिन जब हम लोग टेक्निकल पढ़ेंगे, जब हम लोग टू द पॉइंट बार्क इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सब पूछने ही ट्रिक यूज करेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग अप्रोच रीजन क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी तो सिर्फ रैंक लाना, अभी तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, वहाँ जब पहुँचेंगे तो उसका बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, इसमें पूछा गया IAS क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको लास्ट में बनाऊंगा, इसको पहले बना देता हूँ। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसमें भी पूछा गया है I क्या है,